छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अबे खाना बना रहा हूँ, को बम नहीं बना रहा हूँ जो भर भर के मसाला डालूं। सुसर जी, ये फीके फीके खाने मेरे गले से उतरते नहीं है। बात सुनो, राशन खत्म हो गया है, अपनी मम्मी जी को जाके बता दो। तो उन्होंने मुझे सौदा लाने के लिए तो भेजे। अबे तो यहाँ नुक्ता चीनी करने क्यों आ गया? अरे सुसर जी, चीनी से याद आया, मैं तो सौदे के अंदर चीनी लिखना ही भूल गया। अरे उर्दू में ही लिख लो, यही बहुत है, चीनी तो बहुत दूर की बात है। नहीं नहीं नहीं, आप उस चीनी को समझ रहे, मैं तो खाने वाली चीनी की बात कर रहा हूँ यार। मैं पालक। बात सुनो, इस बातों को छोड़ो, ये बताओगे मम्मी जी ने सौदे के लिए कितने पैसे दिए तुम्हें? मम्मी जी ने मुझे दिए पूरे। बचाएगा कितने? आधे। तो जाके आधे पैसे लेके आ बचा कर, मैं पूरा मसाला डालता हूँ उसमें जब तक। चल बन जा यार। चलो आ गया, बातें करवा लो, पालक हम काटे। बरसात में तुमसे मिले, तुम सजन तुमसे मिले लड्डू। अरे अब्बा, अब्बा ये क्या चक्कर है? भाई ये चक्कर नहीं है, ये रक्षा है। रक्षा? रक्षा नहीं, मैं रक्षे में बैठी रक्षी का पूछ रहा हूँ। चुप बदतमीज, ये रक्षी नहीं है, ये तेरी नई होने वाली माँ है। क्या कह रहे अब्बा? मेरी होने वाली नई अम्मा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरी समझ में तो कुछ नहीं आएगा, बस तेरी समझ में तो यही आ रहा है, तू यहाँ दामाद है, गुलाम है, घर दामाद है, घर दामाद। चल हटी यहाँ से। आइए आइए नूरी नजर, ये बैग मुझे दे दीजिएगा। आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, जरा पाँव संभाल के रखिएगा, तुम्हारे पाँव अच्छे ना कहीं मेले ना हो जाए। और सुन, रक्षे के पैसे दे दे। हाँ, जल्दी आओ नूरी नजर, जल्दी आओ। मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ अब्बा, समझ के क्या रखा है मुझे, पैसे भी तुम ही भरोगे। हाँ भाई, कितने हो गए? 800 रुपया। क्यों, कश्मीर से आ रहे हैं? तुम भी रो ना, टेंस में कितनी कमजोर होती जा रही हो। आपसे बचेगा तो खाएगी ना बेचारी। चुप, तुम भी मत बोलो गुलाम। आजादी जाहिर रहा है, मेरा हक है जनाब। तो वो भाई साहब, आपने बच्ची का तारुफ नहीं कराया। कैसी बातें कर रही है तानी बेगम, आप तो जहाँ दी जाए एक नजर में पहचान सकती है। समझ गया समझ गया, असल में ये बच्ची जो है ना, इन्होंने गोद ली है और ये लड्डू की बहन है। अच्छा। चुप। तानी बेगम, ये मेरी होने वाली बेगम है, लड्डू की ब्रांड न्यू अम्मा। क्या क्या? ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, उस बच्ची से ही पूछ रही है जरा। अब ये इतनी भी बच्ची नहीं है, पहले ही राजी हो चुकी है। वो भाई साहब, इस बच्ची के वालदैन कहाँ हैं? अरे भाई, इनके घर वाले इस रिश्ते से इनकार करते हैं, और आपको तो पता है प्यार करने वालों के बीच में ऐसे हासिद होते हैं। जी 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 जी। वाले भाई, तुम भी कुछ लो ना, पहले टेंस में इतनी कमजोर होती जा रही हो। बात सुनो, जो वो कर रही है ना, उसे करने दीजिए, उसके लिए यही बेटर है। चुप, ये इनकी मासूमियत है। लेकिन भाई साहब, ये उम्र में आपसे काफी छोटी नहीं है? कैसी अजीब बातें कर रही है तानी बेगम, आप भी तो गुलाम से 30-32 साल छोटी है। हाय सच? भाई साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है? लगता है, कमाल कर रही है। अरे यकीन है, यकीन। जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेगम, ये आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। गुलाम आप चुप करें, भाई सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे मामा, कितना मजा आएगा ना, मैं वाहिद लड़की होंगी जो अपने ससुर की शादी में शरीक होगी। शरीक? नो 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 नो, शरीक नहीं होगी, बल्कि आप खुद शादी की तैयारी कर रही होंगी, और शादी यहीं होगी। अच्छा, फिर तो और मजा आने वाला है। भाई साहब, आप ना जब तक दिल चाहे यहाँ आराम से रहें, और अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताइएगा। चढ़ा दिया ना चने की झाड़ पे। अबे यार लड्डू, तुम यहाँ यार उदास खड़े हो, वहाँ तुम्हारे अब्बा की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं। ससुर जी,
हट जाओ, बहुत गुस्से में हूँ मैं। मजाक का वक्त नहीं है ये। अरे यार कितना गुस्से में है यार, वहाँ तेरे अब्बा बड़े मजे में। शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ है। तो क्या हुआ यार? माँ ऐसी होती है। आए मौसम रंगीले सुहाने। गुलाम क्या हो भाई? हो जल्दी से तुम्हारी होने वाली समधन के लिए खाना तैयार करो। चलो जल्दी। अब्बा अपनी ओछी हरकतों से बाज आ जाओ। क्या बकवास कर रहा है? ये ओछी हरकतें, मेरे प्यार को तू ओछी कह रहा है? तू भी अपने ससुर की तरह दक्यानुसी बातें कर रहा है। अब्बा अपनी बहू की उम्र की लड़की को बीवी बनाने का सोच भी कैसे सकते हो? अम्मा को पता चल गया ना तो मार मार के तुम्हारा बुर्ता निकाल देंगी। चुप। कभी तूने अपनी अम्मा को देखा है? मुझ पे क्या गुजर रही है? अरे मैं जानता हूँ मुझ पे क्या गुजर रही है। गुजर जाने वाले वक्त के वक्त आपको याद आ रही है ये बातें? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, लगाता मैं खुजाब हूँ। लड्डू, अबे क्या तुम्हारी होने वाली ब्रांड न्यू अम्मा के लिए जल्दी से खाना लेकर आओ। सावन आये सावन जाये, गीत हमारी गीत। कसम खा रहा हूँ ये भूखा नहीं मर सकता। हाय हाय हाय, आप हंस रहे हैं ससुर जी? नहीं यार, तुम्हारे अब्बा को देख के अब तो मेरा भी दिल चाह गया यार कि दूसरी करी। होश में आ जाएं आप, बजाय इसके कि आप अब्बा को रोकें आप उनके नक्शे कदम पे चलने की तैयारी कर रहे हैं। अबे नहीं भाई नहीं, ये तुम्हारी आपस की फैमिली का मामला है भैया, बाप बेटा और ब्रांड न्यू अम्मा। ये सब क्या कर रहे हो अब्बा तुम? देख नहीं रहा है? केले खा रहा हूँ। मैं केले की बात नहीं कर रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मेरी भी कोई इज्जत है। तेरी इज्जत? अबे देखी तेरी मैंने इज्जत, खाली गंदे बर्तन और पतीलों के अलावा तेरे को जानता कौन है? ये भी आपकी मरूने मिन्नत है, आपने अपने कुछ पैसों के लिए मुझे यहाँ पे घर दामाद जो बनवा दिया। देख मेरी बात सुन, मेरी लव स्टोरी में बहुत सारे विलन है, अब मजीद विलन की गुंजाइश नहीं है। अगर तूने बकवास की तो मैं तुझे जायदाद से आग कर दूंगा। वाह बड़ी जायदाद, चार जोड़ी कपड़े, दो जूते, इसके अलावा है क्या? आपको ही मुबारक हो आपकी जायदाद। बिल्कुल अपनी माँ पे गए, बद कलाम बद तहसीन। भाई कुछ बच्ची के लिए भी छोड़ दो। होए होए, बच्ची की बड़ी फिक्र है तुझे भाई। पर जाहिर है हमारी बेटी की उम्र की है। हमारी नहीं तुम्हारी, तुम्हारी। आराम से भाई। अबे ये कुछ बोलती भी है? बोलती हूँ ना, इन्होंने मुझे बोलने से मना किया हुआ है। अबे तो वायरिंग भी शार्ट है इसकी। ये मत भूलो कि ये तुम्हारे लिए काबिले एहतराम है। बात सुनो, ये लड्डू के लिए ब्रांड न्यू अम्मा हो सकती है, मेरी नहीं। एहतराम सिर्फ अम्मा का नहीं, रिश्तों का भी हो सकता है। ये तुम्हारी समधन है, समधन। ओ भाई ओ, ओ लगता है कि ये तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं चल रहा हूं भाई, अल्लाह मालिक। बकवास करता है। भाई साहब ये कुछ बोलते क्यों नहीं है? बहुत शर्मीली है क्या? अरे हाँ भाई, अपना नाम बताओ ना। हानिया नाम है मेरा। हानिया नाम है आपका? आप अपना नाम बता रही थी या कहका लगा रही थी? देखा, इसलिए मैं ज्यादा बोलती नहीं। लट्टू, अपनी होने वाली माँ से माफी मांगो। इनसे माफी मांगू? इनसे माफी मांगने से बेहतर है कि मैं अपने कपड़े फाड़ के रोड पे जाके भीख मांग लूं। गुलाम, बाबूजी खाने से छुरी ले आओ जल्दी। ले आया छुरी, हुकुम करे तो चला भी दूं। गुलाम, ये मैंने सेब काटने के लिए मंगवाई थी, ना कि मेरी गर्दन काटने के लिए। हाँ? तो ये सेब नहीं है? अच्छा। कौन बोल रहे हो? अच्छा मेरे होने वाले ससुर बोल रहे हो? मैं भी तुम्हें ससुर बनाने के लिए मर नहीं रहा हूं। अरे ठीक है, जो तुम्हें करना है कर लो। देखे आप दो मोहब्बत करने वालों के बीच में नहीं आ सकते। हाँ ये मेरा भी चैलेंज है, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो मुझे। हाँ। क्या हुआ भाई साहब, किसकी कॉल थी? इसके अब्बा का टेलीफोन था।
अच्छा, अब काफी गुस्से में लग रहे थे वो। अरे होते हैं तो होने दो, उन्हें इज्जत रास ही नहीं आती। वैसे करते क्या है इसके अब्बा? कुछ नहीं करते, एक छोटे से गांव में छोटी सी जमीन पर बहुत बड़े वडेरे बनते हैं। लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं ना। मुझसे ज्यादा नहीं, ज्यादा टेंशन ना लो, बस तुम लोग शादी की तैयारी करो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप रुक जाइए थोड़ा, उनको यहाँ आने दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा थ्रिलर एक्शन देखने के लिए मिल जाए ना। हनी ये मत भूलो, तुम्हारे थ्रिलर एक्शन के चक्कर में मैं यतीम हो जाऊंगा। हाँ भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि आप थोड़ा सा सोच लें, अगर इस उम्र में हड्डियां टूट जाए ना तो जुड़ती नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, बस तुम लोग जल्द से जल्द शादी की तैयारी करो, एक दफा शादी हो जाएगी फिर देख लूंगा मैं उसको। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जरा आराम करना चाहता हूँ। गुलाम कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। जहर ले आओ मतलब? अबे यार लड्डू यार, सारे बर्तन ऐसे ही पड़े, तूने धोए नहीं यार। अरे छोड़े इन बर्तनों को सुसर जी, सारी दुनिया को बेवकूफ बना लेता हूँ, लेकिन अब्बा को लेके मेरा दिमाग नहीं चलता, हर बार मुझे बना के चले जाते हैं। अबे वो शक्लो सूरत के अलावा हर चीज में तेरा ही, बल्कि तेरा भी बाप। वो मेरे ही तो बाप है, मगर मेरे बाप को ये हरकत करने से रोके सुसर जी, कोई आइडिया ही दे दें। आइडिया और मैं? अरे नहीं 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 यार, नहीं नहीं, आप तो ऐसा कर रहे हैं, आइडिया देने को कह रहा हूँ, अंडा देने को थोड़ी कह रहा हूँ। अबे यार मेरा मतलब यह है कि आइडिया तो भाई तुम्हारे पास होता है ना यार, मेरे पास कहाँ 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 पे याद आया यार, कहाँ पे याद आया, यहाँ इधर आ। अरे नहीं, कैसे ससुर जी, तो फिर मैं कार्रवाई शुरू करता हूँ। जाओ जाओ, कामयाब होके लौट के आओ। ये काम अंदर से नहीं होगा, बाहर से होगा। चले चले चले, आ जाओ। गुलाम, लड्डू, पता नहीं दोनों कहां चले गए। कमाल है, तानी बेगम, हनी और मेरी नई बेगम सब घर में मौजूद है, ये लड्डू और गुलाम कहाँ चले गए? अल्लाह के नाम पे के मदद कर दे, कोई है जो इस गरीब की मदद कर दे, अल्लाह के नाम पे साहब, साहब कुछ मदद कर दे साहब, अल्लाह तेरा भला करे साहब, है कोई सके की मदद कर दे। हाय साहब, साहब गरीब की मदद कर दे साहब, साहब दो दिन से कुछ नहीं खाया साहब, कुछ मदद कर दे साहब। चल झूठी, कह रही है दो दिन से कुछ नहीं खाया, मस्कंडी लग रही है मुझसे, ज्यादा अच्छा चेहरा लग रहा है, कह रही है दो दिन से खाया नहीं, चल जा कुछ काम किया कर। साहब आप ही काम दे दो। मैं क्या तेरे को काम दूंगा, मुझसे कह रही है काम दे दो, चल चल काम वाली निकल जा यहाँ से, मैं सही में परेशान हूँ, चल। साहब 100 रुपए दे दे। मैं कह रहा हूँ चली जा, मेरा दिमाग लग रहा कर जा। ठहरो, मैं अभी तो लंगड़ी थी, एकदम ठीक हो गई। साफ करना पड़ता है। हनी जाओ बेटा अंदर से दुल्हन को लेकर आओ। अच्छा ठहरो, मैं खुद अपनी नूरे नजर को लेके आता हूँ। अच्छा?
आइए 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 भाई साहब, यहाँ बैठाए आओ बेटा। लड्डू, ये कारी साहब कहाँ रह गए? कारी साहब आते ही होंगे। कारी साहब रुक जाओ बाबा, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो मेरे गार्ड की बंदूक चल जाएगी। और गोली चलेगी तो कहाँ तक जाएगी? बाबा अगर मेरी बेटी गांव से यहाँ तक आ सकती है तो कहीं भी जा सकती है। सही देखे, आप अपना वक्त जाया ना करें, आप जिस काम के लिए यहाँ हैं वो करें और निकल ले यहाँ से। बाबा मेरी बेटी कहाँ है? कौन सी बेटी, किसकी बेटी, कैसी बेटी? ये रही आपकी बेटी घुंघट में। अरे लड्डू तुम्हें कैसे पता कि ये इनकी बेटी है? अरे मम्मी जी, क्लाइमेक्स के टाइम पे या तो पुलिस आती है या वो आता है जो लड़की से मोहब्बत करता है या उसका बाप आता है। अब पुलिस तो ये हो नहीं सकते, लड़की से मोहब्बत करने वाला उसके बराबर में बैठा है और बचा कौन? उसका बाप। तो ये यकीनन उसका बाप होगा। चलो अगर किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए बाबा। नहीं नहीं वडेरे साईं, आप इन्हें ले जाए, किसी में हिम्मत नहीं है जो आपसे मुकाबला कर सके। बैठो बैठो, ले जाएं अपनी बेटी को। चलो ले जाएं अपनी बेटी को वडेरा साईं, ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काजी साहब, आपने आने में जरा देर कर दी। वो बाहर कुछ गुंडों ने मुझे रोक लिया था। ओ तो अब देख लिया आपने, दुल्हन को भी वही ले गए। फिर मैं क्या करूं? अब देखिए यहाँ सब शादीशुदा है, आप एक काम करें यहाँ से जाएं। अल्लाह हाफिज। ठहरो काजी साहब, तुम यहाँ बैठो बैठो। लड्डू की ब्रांड न्यू अम्मा बाहर आओ। ये सब क्या है? अगर ये यहाँ पे तो फिर वो कौन थी? फकीर नहीं थी, मैंने उस काम के लिए उसे 500 रुपए दिए थे। लड्डू तेरे इस बाप से तू कभी भी नहीं जीत सकता। ससुर जी मुझे तो इस बात की परेशानी हो रही है कि ये शादी होगी। होगी क्या, हो गई। काजी साहब आप निकाह पढ़ाओ। एक मिनट एक मिनट। लड्डू अब्बा जी हैं मेरे। अबे तेरे अब्बा मेरे अब्बा थोड़ी है। मेरी कजन का बेटा आ रहा है गांव से। गांव से? इससे मिलो। ये ना ये आपका छोटा बेटा, शहर में रहने की वजह से ना इसने लंबे बाल शाल रखे। ओ आजा। मरीजों वाला खाना क्यों बनाया है? मरीजों वाला खाना? छोटी छोटी सूखी सूखी रोटियां, कोई देसी घी का तड़का नहीं सालन में, कुछ नहीं। ये आपके लिए ना 4 पराठे। इनकी हालत तो देखे, आपको लगता है 4 पराठे इनके अंदर जा सकते हैं? हाँ, क्योंकि इतना सारा खाना तो हम 1 हफ्ते में ही खाते हैं गुल्लू भाई। सो लड्डू मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।